हेलो फ्रेंड्स, गार्डनिंग गीट चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे स्पाइडर प्लांट के बारे में, जो कि एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। यह आपके गार्डन में एक बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन ऐड करता है। इसकी पत्तियों में वेरिएशन सफ़ेद और हरे रंग का होता है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि इसको किस तरह की मिट्टी चाहिए और इसको कैसे प्रोपोगेट करेंगे और इसकी केयर के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह एक शेडेड एरिया का प्लांट है। इसको डायरेक्ट धूप में रखेंगे तो ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। इसको शेड पसंद है, जहाँ पर छन कर सूर्य की रोशनी आती हो और इसके आसपास आप ह्यूमिडिटी बनाए रखेंगे तो ये प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। इसको ह्यूमिडिटी बहुत ही पसंद है। तो दोस्तों, बात करते हैं इसकी मिट्टी के बारे में। इसको वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए। वेल ड्रेन मिट्टी बनाने के लिए आप 50% गार्डन सॉइल ले लीजिए, 30% सैंड ले लीजिए और 20% इसमें कंपोस्ट मिला दीजिए, तो आपकी मिट्टी बहुत ही अच्छी वेल ड्रेन तैयार होगी। इसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। मिट्टी में अगर पानी रुक जाएगा तो इस प्लांट की जड़ों में ट्यूबर्स पाया जाता है, जो कि पानी को स्टोर करता है और वो गल जाएगा। तो इसलिए इसकी मिट्टी में पानी नहीं रुकना चाहिए। देखिए, ये मैंने कुछ दिन पहले ये प्लांट लगाया था। इसमें बेबी प्लांट निकलते हैं। जब प्लांट आपका बड़ा हो जाएगा तो इसमें बेबी प्लांट निकलेंगे, उसको आप तोड़कर मिट्टी में लगा देंगे तो आपका एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। इसमें कितने अच्छे से रूट्स डेवलप हुई हैं। तो दोस्तों, इसमें पानी तभी देना है जब आपके पॉट की मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाए, तभी आप इसमें पानी दें, नहीं तो ये प्लांट आपके यहाँ ख़राब हो जाएगा, पूरा गल जाएगा और आप इसको बचा नहीं पाएंगे। क्योंकि जब ये गलना स्टार्ट होता है तो ये पूरी तरीके से ही एकदम से पूरा गल जाएगा। तो इसमें पानी तभी दें जब मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके प्रोपेगेशन की। इसमें बेबी प्लांट निकलते हैं, ये देखिए इसका बेबी प्लांट है। इसमें भी रूट्स डेवलप नहीं हुई हैं, कुछ दिनों में इसमें रूट्स डेवलप हो जाएंगी नीचे छोटी छोटी, तो आप साइड से कट करके इसको किसी भी मिट्टी में लगा दें और कुछ दिनों में ये इसकी रूट्स मिट्टी में पहुंच जाएंगी और ये नया प्लांट तैयार हो जाएगा, जैसा कि ये छोटे पॉट में मैंने लगाया था। तो ये तो हो गई इसके प्रोपेगेशन की बात। अब बात करते हैं इसकी केयर की। इसमें कोई इंसेक्ट का अटैक नहीं होता है। मैंने अभी तक पाया है कि इसमें कोई इंसेक्ट नहीं लगता है। बस इसको बचाना होता है तो पानी से। अगर जो आप इसमें ज़्यादा पानी दे देंगे तो ये गल कर ख़त्म हो जाएगा। इसमें ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं है और इसको हमेशा शेडेड एरिया में रखें। शेडेड एरिया में ये बहुत ही अच्छे से आपके यहाँ हमेशा ग्रो होता रहेगा और आप इससे नए नए प्लांट बनाते रह सकते हैं। दोस्तों, ये तो थी जानकारी स्पाइडर प्लांट के बारे में। दोस्तों, स्पाइडर प्लांट से संबंधित जानकारी आपको अगर ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यह जानकारी आपको कैसी लगी। दोस्तों, आप लोगों की अगर गार्डनिंग से संबंधित कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और फेसबुक पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। धन्यवाद।